हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक इंडियन जायका। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल मेथी चिकन ग्रेवी और ज़ीरा राइस। मेथी चिकन ग्रेवी के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन, 100 ग्राम दही, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 इंच दालचीनी, 4 इलायची, 4 लौंग, 5-6 काली मिर्च, 2 तेज पत्ता, 1 टीस्पून विनीगर, 10 से 12 बादाम, 10 से 12 काजू, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, होममेड गरम मसाला 1 टीस्पून। गरम मसाले की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर ली हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आधी जोड़ी मेथी, 2 आलू, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 6 हरी मिर्च बड़ी वाली और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, 5 से 6 कांदा हमने बारीक और चॉप कर लिया है और मेथी को अच्छे से धो के हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम चिकन में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून विनीगर डाल के चिकन को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। नमक और विनीगर डालने से चिकन में जो स्मेल रहती है वो ख़त्म हो जाती है। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चिकन का ये सारा गंदा पानी निकलने के बाद 10 मिनट के बाद आप इसे वॉश कर लीजिए अच्छे से। गैस पे हमने लो फ्लेम पे एक पैन रखा है जिसमें हम 4 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसमें हम 1 चम्मच हमारे गांव का घी भी इस्तेमाल करेंगे। ये घी डालडे घी से बहुत अच्छा होता है। डालडे घी में जैसा स्मेल वगैरह आती है, इसमें अच्छी खुशबू रहती है। ये घी 300 रुपये किलो है। जिसको भी चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड करें, इसमें हम तेज पत्ता ऐड करेंगे और ऑनियन भी ऐड करके उसे अच्छे से भुनेंगे। ऑनियन को हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक का भुनेंगे, जब तक हम अपना हरा मसाला और बादाम काजू का पेस्ट भी साइड में पीस लेंगे। अब एक मिक्सी जार में हम मिर्ची, कोतमीर, लहसुन, अब इसमें हम अदरक डाल के मिक्सी में पीस लेंगे। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। मिक्सी जार में हम काजू बादाम ऐड करके इसका भी पेस्ट बना लेंगे। अब हमारा कांदा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को भी ढक के थोड़ा देर पकाएंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम इसमें हम हल्दी मिक्स करेंगे। वैसे भी अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हमारी हल्दी पक चुकी है। हम चिकन को 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए भूनेंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें पिसा हुआ पूरा हरा मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से ढक के 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हमारा मसाला 2 मिनट तक भुने गया है। हम फिर से इसे चलाएंगे। अब इसमें हम आलू भी ऐड कर लेंगे। आलू को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारे मसाले को अच्छे से भूनते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें हम 100 ग्राम दही ऐड करेंगे। फिर से भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसमें हम पिसा हुआ काजू बादाम का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। फिर हम इसे ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए। अब हमारा मसाला को हम चेक करेंगे नीचे से जले ना और उसे हिलाते हुए भूनेंगे। अब इसमें हम चॉप की हुई मेथी भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। ढक के अब इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हमारा 5 मिनट हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नीचे से जले ना
और हमारा आलू और चिकन पका या नहीं वो भी चेक कर लेंगे। अब इसमें हम एक बॉल पानी भी ऐड करेंगे। और इसे थोड़ा देर चला के फिर से ढक के 10 मिनट के लिए और रख देंगे। और दूसरे गैस पे हमने अब कोयला भी गरम करने रखे हैं। अब एक कटोरी में हम घी 2 लौंग। 10 मिनट हो चुका है, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें घी वाली कटोरी हम रख देंगे और इसमें कोयला भी डाल के रख के इसे ढक देंगे। अच्छी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। जीरा राइस के लिए हमें चाहिए नमक, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, दालचीनी, इलायची, लौंग 2-2 और स्टार फूल 1, 2 तेज पत्ता, हरा वटाना, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच साजीरा, कोलम चावल हमने धो के रख दिया है 10-15 मिनट के लिए। अब गैस पे हमने एक तपेली चढ़ा दी, उसमें ऑयल डाल दिया है और उसमें दालचीनी, लौंग और इलायची डाल दी, फिर कड़ी तेज पत्ता डाल दिया, फिर जीरा, साजीरा। इसको हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनेंगे, मिक्स करेंगे। फिर अब इसमें हम अदरक लहसुन का भी पेस्ट ऐड करेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी के बाद नमक ऐड करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे बॉयल आए तक पकाएंगे। अब इसमें हरा वटाना भी ऐड कर लेंगे। अब इसमें चावल भी ऐड कर लेंगे। 5 मिनट के बाद हमारा चावल 100% तैयार है। 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। ईद स्पेशल रेसिपी तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।